हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 12 मार्च को यूएस बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जहां पे वो ये बताते हैं कि भारत और चाइना के बीच में बीते कुछ सालों में जिस तरीके से एस्केलेशन बढ़ा है, ये एक पॉसिबिलिटी जनरेट करता है वॉर को लेकर। यहाँ पे हमें दो तीन बातों का बेहद ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है यूएस के इंटेलिजेंस के द्वारा। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यूएस प्रोपेगेंडा फैलाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। उसके बाद यूएस और चाइना के जो रिलेशन है वो बेहद ख़राब है, तो इसलिए भी यूएस अपनी रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ा के वो पब्लिश करेगा। लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि जो यूएस ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया उसको हम अंडर एस्टिमेट करें। 2020 के बाद, यानी कि गलवान वैली के बाद, भारत और चाइना के जो रिलेशन है वो सच में बेहद ख़राब हुए हैं। इस चीज़ को हम दो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो ऑफिशियली कहा जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ चाइना के बीच में लगभग 21 राउंड कॉन्वर्सेशन हो चुके हैं गलवान वैली के बाद, जब से मामला एस्केलेट हुआ था। लेकिन 21 राउंड कॉन्वर्सेशन के बाद भी जो मामला है वो थमता हुआ दिख नहीं रहा। और इसी महीने के 8-9 तारीख के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 10,000 या उससे भी ज़्यादा जो ट्रूप्स थे उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास डिप्लॉय किया है। हालांकि इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ही तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इसको ऑफिशियली वेरीफाई किए हैं, लेकिन बढ़ चढ़ के मीडिया में पब्लिश किया गया है। और जिस तरीके से पब्लिश किया गया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि मामला चाइना और भारत के बीच में बेहद ख़राब है, या कह लें कि 1962 के बाद ख़राब हुए हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं, हो रहे हैं, जहां पे ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास बेहद तेज़ी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वो कर रहे हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है वो काफ़ी नर्वस है। जब मैं नर्वस कह रहा हूँ तो मैं कहीं से जो चाइना या उसके जो कैपेबिलिटीज़ है उसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी होता है हमारे लिए कि हम उस चीज़ को बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पढ़ें और समझें। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, वो भारत के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीते कुछ सालों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को किए हैं, हमें पर्सनल लेवल पे सरकार को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जो चाइना ने किया है, चाइना बहुत हद तक अरुणाचल प्रदेश को अपना ही एरिया मानता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश हो गया या लद्दाख हो गया या जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये भारत का इंटीग्रल पार्ट था और रहेगा। लेकिन जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के आसपास कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश के लगभग 3 किलोमीटर रेंज के आसपास लगभग कुछ 650 मल्टीपर्पज़ विलेजेस बनाए गए हैं। मल्टीपर्पज़ विलेजेस क्या होते हैं? तो वैसे विलेजेस या वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे मिलिट्री भी रह सकते हैं और जहां पे आम जनता है वो भी रह सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगभग कुछ 650 मॉडर्न हाईटेक विलेजेस को हम बना रहे हैं। इसके अलावा भी रोड कंस्ट्रक्शन, टनल कंस्ट्रक्शन हम भी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि चाइना का जो इकॉनमी है वो हमसे ज़्यादा है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा प्रोग्रेस हुआ है, ये जो प्रोग्रेस है, अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइना बीते कुछ सालों में जो एग्रेसिव हुआ है, उसका एग्रेशन दिखाने का जो वजह है वो ये भी है कि वो हमें डरा रहा है या कुछ एक फेक सा, मतलब हमें प्रेशराइज करने का कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, लद्दाख हो गया, या अरुणाचल हो गया, या कह लें हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, उन सारे एरियाज़ में बढ़ चढ़ कर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए हैं जिसका कि बॉर्डर लगता है चाइना के साथ में। इसके अलावा भी बीते रोज़ सिप्री ने अपने एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया, जहां पे वो ये बताया कि भारत पिछले साल लगभग 10% आर्म्स इंपोर्ट किया है। कहने का मतलब क्या है कि अगर
किसी देश ने या ग्लोबली अगर 100% आर्म्स इंपोर्ट किए गए हैं तो भारत 10% आर्म्स इंपोर्ट किया है। कहने का मतलब है कि पिछले साल भारत सबसे ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट किया था, और ये जो ट्रेंड देखा जा रहा है, ये ट्रेंड देखा जा रहा है 2014 से। कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, इनके टाइम पीरियड में डिफेंस पे काफ़ी बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट किया गया है, आर्म्स प्रोक्यूरमेंट किया गया है। उसके साथ जो दूसरी सबसे अच्छी बात इस रिपोर्ट में देखा गया वो ये है कि हमारा जो डिफेंस है वो बहुत हद तक रशियन वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है, या इनफैक्ट ये बात हम सभी को पता है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने आर्म्स के डिपेंडेंसी को रशिया से हटा रहा है। हम फ्रांस से रफेल ले रहे हैं, हम US से ड्रोन ले रहे हैं, और एक चीज़ आप समझिए, US और रशिया के जो रिलेशन है वो बेहद ख़राब है। इसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया US से भी वेपन खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रशिया से भी वेपन खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रशिया से ऑयल भी परचेस कर रहे हैं। तो कुछ बात को मतलब कहना या किसी सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाना बेहद आसान होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और देखें कि क्या दो राइवल कंट्रीज़ को एक साथ एक टाइम बैलेंस करना इतना आसान है, तो जवाब बिल्कुल होगा कि इतना आसान नहीं है। तो अगर आप सिप्री का रिपोर्ट पढ़ते हैं, और अगर आप हर रोज़ अगर आप अखबार पढ़ते हैं, या तो जो अभी US इंटेलिजेंस ने अपने रिपोर्ट को पब्लिश किया, अगर आप उसको पढ़ते हैं, तो एक चीज़ तो मतलब हर जगह से कॉमन है, वो ये है कि हाँ, जब से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यानी कि 2013 से वो चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से जो उनका एग्रेसिव बिहेवियर है वो देखने को मिला है, और एज अ रिजल्ट भारत और चाइना के जो रिलेशन हैं वो ख़राब हुए हैं। एक और पॉसिबिलिटी के ऊपर बात की गई है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स में तभी अच्छे होते हैं जब दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ चढ़कर होता है। पाकिस्तान को पहले US बहुत सारे वेपन्स दिया करता था, अब ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि पाकिस्तान चाइना से वेपन लेता है, तो कहीं ये पॉसिबिलिटी जनरेट ना हो जाए कि भारत को ड्यूअल फ्रंट पे वॉर छेड़ना पड़े। अगर ऐसा होता है तो ना कि सिर्फ भारत के लिए ये बहुत खतरे की बात रहेगी, बल्कि एज एन ग्लोब पूरे दुनिया के लिए ये खतरे की बात रहेगी। इसके पीछे का वजह है कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, भारत भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, और चाइना भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। अगर एक ही समय पर अगर तीन तीन न्यूक्लियर कंट्रीज अगर वॉर में आते हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो मंजर कितना ख़तरनाक होगा। हमें इन सब रिपोर्ट को पढ़ना है, लेकिन हमें ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें बढ़ चढ़ के इसके बारे में नहीं बोलना है कि वॉर हो ही जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ चाइना को भी डर है कि अगर वो फुल फ्लेज वॉर में आता है तो उसकी जो बड़ी इकॉनमी है, और बीते कुछ सालों में जिस तरीके से उसकी इकॉनमी डिक्लाइन हुई है, चाइना भी ये ज़रूरत नहीं करेगा कि वो भारत के साथ फुल फ्लेज वॉर में आए, और बेस्ट पूरे दुनिया के लिए यही रहेगा कि जो भी टेंशन है उसको बैठ के बातचीत के माध्यम से उसको सुलझाया जाए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।